नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीडे एजुकेशन चैनल पे। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और आज हम 30th of July 2018 की डेली वोकैबुलरी देखेंगे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से होगी। आप द हिंदू का ई पेपर टेलीग्राम के इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास रिबट्स। रिबट्स होता है किसी चीज़ का खंडन करना, टू डिनाई समथिंग बाई गिवन रीजन्स इट कैन नॉट बी ट्रू। किसी चीज़ का खंडन करना कोई रीजन दे के। सिनोनिम होगा इसका रिफ्यूट, रिपेल या फिर कॉन्फ्यूट। एंटोनिम होगा इसका कंसीड करना या फिर एग्री करना, सहमति जताना। एग्जाम्पल में द पॉलिटिशियन हेल्ड अ मीडिया कॉन्फ्रेंस टू रिबट द एलिगेशन ही एक्सेप्टेड ब्राइब्स फॉर वोट्स। राजनेता ने वोट के लिए रिश्वत के आरोपों का खंडन करने के लिए एक मीडिया सम्मेलन का आयोजित किया। नेक्स्ट है हमारे पास क्लैंप। क्लैंप होता है किसी चीज़ को दबाना, दो चीज़ों को आपस में मजबूती से बांधना। फास्टन टू थिंग्स फर्मली टुगेदर। सिनोनिम होगा इसका क्लैस्प, क्लिंच या फिर हैस्प। एंटोनिम होगा इसका लूजन या फिर अनफास्टन, किसी चीज़ को ढीला बांधना, ढीला कर देना। एग्जाम्पल शी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द हिल बाय क्लैंपिंग द रोप बिटवीन हर नीज। वह अंततः अपने घुटनों के बीच रस्सी को दबाकर पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंची। फ्लिमजी। फ्लिमजी होता है कमज़ोर, इनसब्सटैंशियल एंड ईजिली डैमेज, जिसे आसानी से तबाह किया जा सके। सिनोनिम होगा इसका फ्रेजाइल या फिर डेलिकेट। एंटोनिम होगा इसका स्टर्डी या फिर ड्यूरेबल। एग्जाम्पल आई नेवर प्लेस फ्लावर्स इन दैट फ्लिमजी वास, इट टिप्स ओवर सो ईजिली। मैं उस कमज़ोर फूलदान में फूल कभी नहीं रखता, यह इतनी आसानी से गिर जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज होता है अत्यधिक मात्रा में, स्पेशली ऑफ समथिंग ऑफर्ड और डिस्चार्ज। किसी चीज़ को कोई देना, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किसी को देना। एग्जाम्पल होगा इसका अबंडेंटली, प्लेंटिसली या फिर एम्पली। एंटोनिम होगा इसका बेरली या फिर मीगरली, बहुत ही कम मात्रा में। एग्जाम्पल उमेश हैज गेन्ड सो मच वेट दैट इवन हिज डॉक्टर इज कंसर्न अबाउट हिज प्रोफ्यूज ग्रोथ। उमेश ने इतना वजन हासिल किया है कि इसके डॉक्टर उसे भी दरियादिली ग्रोथ को लेकर चिंतित है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो है वो है मेंसरिया। मेंसरिया है एक नाउन जिसका मतलब होता है आपराधिक मनस्थिति, मेंटल एलिमेंट ऑफ अ पर्सन्स इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। किसी आदमी की मनोदशा कि वह कोई क्राइम कर सकता है। द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ रॉन्ग डूइंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ अ क्राइम। किसी आदमी की मनोस्थिति कि वह एक क्राइम कर सकता है लेकिन उसने अभी तक किया नहीं है, ये उसकी मेंटल स्थिति होती है। एग्जाम्पल इवन दो यू किल्ड अ पर्सन यू डिड नॉट हैव द मेंस रिया। भले ही तुमने एक व्यक्ति को मार डाला लेकिन तुम्हारी आपराधिक मनस्थिति नहीं थी। नेक्स्ट है पेजुरेटिव। पेजुरेटिव होता है अपमानजनक, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल, किसी की निंदा करना। सिनोनिम होगा इसका डिस्पैरेजिंग, डिट्रैक्टिंग या फिर डेप्रिकेटरी। एंटोनिम होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कमेंडेशन, किसी की तारीफ करना। एग्जाम्पल ऑल्दो द राइटर मेंट टू बी काइंड हिज वर्ड इम्प्लाइड अ पेजोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। यद्यपि लेखक दयालु होना चाहते थे लेकिन उनके शब्दों में एक अपमानजनक दृष्टिकोण था। नेक्स्ट है हमारे पास आउस्ट। आउस्ट होता है किसी को बाहर निकालना, टू बैनिश और किक आउट। सिनोनिम होगा इसका एविक्ट, फायर या फिर एक्सपेल। एंटोनिम होगा इसका कीप या फिर एडमिट, किसी को रख लेना या फिर अंदर ले लेना। एग्जाम्पल मैनी सिटीजन्स ऑफ जर्मनी वॉन्टेड टू आउस्ट एडॉल्फ हिटलर बट वर टू स्केयर्ड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। उदाहरण में जर्मनी के कई नागरिक एडॉल्फ हिटलर को हटाना चाहते थे लेकिन इसके बारे में कुछ भी करने के लिए डरते थे। नेक्स्ट है कोरोलरी। कोरोलरी होता है किसी चीज़ का परिणाम, अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस और अ रिजल्ट दैट नेचुरली फ्लोज। सिनोनिम होगा इसका कॉन्क्लूजन, इन्फेरेंस या फिर आफ्टर मैथ। एग्जाम्पल द कोरोलरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरमेंट इज वेरी पेरिलियस। पर्यावरण में प्रदूषक का परिणाम बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट है क्रीड। क्रीड होता है धार्मिक पंथ, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीव, अ फेथ। सिनोनिम होगा इसका डॉक्ट्रिन, डॉगमा या फिर टेनेट। एंटोनिम होगा इसका डिसबिलीव्स, जो किसी चीज़ को ना मानता हो। द फर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस और क्रीड। लिंग, जाति या पंथ के बावजूद
फर्म किसी भी कर्मचारी के खिलाफ भेदभाव नहीं करती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फ्लीस। फ्लीस होता है किसी को ठगना। फ्लीस का एक और मतलब होता है किसी को, किसी चीज को फाड़ देना। और आस्क एन इन अनरीजनेबल प्राइस, ठगना। सिनोनिम होगा इसका ओवरचार्ज, कॉन या फिर स्विंडल। एंटोनिम होगा इसका अंडरचार्ज। एग्जाम्पल, अ जेन्युइन शॉपकीपर वुडंट फ्लीस हिज कस्टमर्स। एक असली दुकानदार अपने ग्राहकों को नहीं ठगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपको अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप द हिंदू का ई पेपर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस आइकन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।